Hey guys, what up everybody? It's your boy Sish and my mommy. So back at it again with the new video. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत करवाने के लिए आया हूँ और हमारे साथ साबिर भाई भी हैं, देख सकते हो। अभी थोड़ा ये देखो, ये इसके अंदर मुँह मुबारक रहता है, पहले मास्क वगैरह लगाना है। आज साबिर भाई हमारे साथ के अंदर है, तो साबिर भाई सारा बताएंगे क्योंकि साबिर भाई को मेरे से ज़्यादा मालूम है। तो बड़े भाई सब बताएंगे आज कि मुँह मुबारक कब से आया, और इन हज़रत की ज़ुबानी भी सुनेंगे कि कब से इनके पास है, कब से खिदमत है इनकी। तो दिखाता हूँ मैं भी आपको मुँह मुबारक, एक मिनट। सो देख सकते हैं अभी आप, ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस से दिखाया जाता है, और सरकार के मुँह मुबारक जो है एक बाल की तरह है, और वो बाल इतना बारीक है कि ना अपनी आंखों से देख नहीं सकते उसको। मैग्नीफाइंग ग्लास से ही जूम करके दिखाया जाता है। देखो ये देख सकते हो आप, ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, और वो अंदर जो दिख रहा है ये बाल मुबारक, ये मुँह मुबारक है हुजूर का, देख सकते हो आप। अभी इनसे पूछते हैं कि सरकार का मुँह मुबारक कब से आया, कब आया, और आपके पास कब से है, आप खिदमत कब से। मुँह मुबारक के बारे में जो आका अलैहि सलाम का तबरुक आते जी बताइए। मेरे वालिद मरहूम सैयद अब्रार अली साहब जी, वो उनको ये 84 में खिदमत मिली जी, करने की खिदमत। इससे पहले हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग सईद अहमद साहब कराते थे जी। अच्छा, ये मुहर्रम शरीफ हमारे पास, हमारे अजमेर शरीफ में हमारे ख़ानदान में हैदराबाद से आए, हैदराबाद से पहले मदीने में थे जी। मदीने से कोई पीर साहब थे, वो इसको जो है ना हैदराबाद लेके आए थे। फिर वहाँ पर ये हुआ कि कोई मुकद्दस जगह चाहिए जहाँ पर इसको पहुँचाया जाए, तो अजमेर शरीफ से जी मुकद्दस जगह होना ही ज़रूरी है। तो फिर वो हुआ कि भाई खानदान के अजमेर में ये पीस यहाँ पर पहुँचाई जाए, और अजमेर में फिर हमारे ख़ानदान के अंदर ये परम्परा जब से आई है, जब से चालू है। ये जब आई थी तो इसको मुबारक लिखा हुआ है सन उर्दू का 1339 हिजरी जी। दिखाइए ये जो जिस बॉक्स में ये रहता है उसके ऊपर ये मुँह मुबारक है, और इसमें 1339 हिजरी है जब ये इनके पास यहाँ पे पहुँचा, ये तबरुकात अजमेर शरीफ में जब यहाँ पे लाया गया तो 1339 हिजरी में ये यहाँ लाया गया, और अजमेर शरीफ में, और उसी हैदराबाद में था। इससे पहले ये हैदराबाद में था, और उसी वक्त से जब से ये यहाँ पे अजमेर शरीफ में आया है तब से ये रसूमात जारी की गई है, चालू की गई है कि लोग यहाँ पे आएँ और हुजूर आका अलैहि सलाम का जो ये तबरुक है वो मुबारक इसकी हाजिरी करें। तो ये जो तबरुकात है ये इन्हीं के पास है जैसा कि इन्होंने बताया है, और 84 से इनके वालिद कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी मिली, फिर उनके बाद ये जिम्मेदारी सैयद औसाफ अली साहब को मिली, और इनसे पहले जो इनके बुज़ुर्ग थे उनको ये जिम्मेदारी थी कि वो मुँह मुबारक की इसी ईद मिलाद के मौके पे, आका अलैहि सलाम की विलादत के मौके पे हाज़िरी यही करवाते हैं, और ये दो दिन यहाँ पे हाज़िरी करवाते हैं जी। हाँ, और मैं दो दिन यहाँ पर हाज़िरी होती है हमारे यहाँ, 11 तारीख की चांद की रात को, और 12 तारीख को दिन में 4 बजे से 3 बजे से मगरिब के बाद। लेकिन ये टाइम की पाबंदी उसके लिए नहीं, जब तक पब्लिक आ रही है तब तक ज़्यादात होती है। ठीक है साहब, आप जब ये हाज़िरी होती है यहाँ पर, तो आप जब यहाँ का हाज़िरी का टाइम शुरू होता है तो उस हाज़िरी से जब तक लोग आते रहेंगे यहाँ पे, ये हाज़िरी के लिए यहाँ पे बैठे रहेंगे और हाज़िरी करवाते रहेंगे और लोगों की ज़ियारत करवाते रहेंगे, ऐसी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। तो जब से हाज़िरी चालू होती है, जो टाइमिंग इन्होंने करा है 4 बजे से, उसके बाद अगर पब्लिक 10 बजे तक भी, 11 बजे तक भी, 12 बजे तक भी यहाँ पर हाज़िरी के लिए आती है, तो इनकी ये ज़िम्मेदारी है कि ये हाज़िरी कराते हैं और इसकी ज़ियारत करवाते हैं। ये जिस वक्त ये हमें हमारे ख़ानदान में खिदमत आई थी, तो इसके साथ ये वसीयत आई थी, वसीयत करी गई थी इसको जाना ज़रिया माश सोर्स ऑफ इनकम ना बनाया जाए। अच्छा, तो उसका हम पालन करते हैं हमारे। एक सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये तबरुकात इनके पास आए हैं और ये उस ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और उसके साथ एक वसीयत की गई है कि यहाँ पर सिर्फ आप आका अलैहि सलाम की बारगाह में दरूद का नजराना पेश कर सकते हैं, कोई मालो ज़र, कोई जैसे रुपए पैसे वगैरह यहाँ पे नजराना पेश नहीं कर सकते हैं। ये इनके पास वसीयत में है, और ये उस अपनी वसीयत पे कायम व दायम है, यहाँ कोई किसी तरीके का नजराना वगैरह नहीं लेते हैं, और ये सिर्फ आका अलैहि सलाम का जो मुँह मुबारक है उसकी हाज़िरी करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह
ये जो मालूमात आपको दी गई है या आप लोगों को पसंद आएगी तो ये मालूमात और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम हो सके, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में, और ताकि यहाँ पे आने वाले जो नए लोग हैं उनको भी इसकी मालूमात हो सके और वो भी यहाँ पे हाज़िरी के लिए आ सकें, ज़ियारत के लिए आ सकें आका अलैहि सलाम के तबरुक की। तो जैसा हो था वैसे का सब मैंने आपको बता दिया जो भी था, और बहुत मुबारक हो। सो मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, से स्टे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।